जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, जब आप अपने विचारों को रोकना शुरू कर देंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। बंधुओं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह जो विचार हैं इनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, विचार करते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। 24 घंटे विचार करते रहते हैं, हमने ये किया, हम ये करेंगे, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। इन विचारों में ही अपनी सारी जो पावर है वो है, आप ख़त्म कर देते हैं लेकिन आपको कुछ मिलता ही नहीं है। आखिर विचार की शक्ति कहाँ से आती है? जितनी शक्ति हम विचारों में अपनी बर्बाद करते हैं, अगर उतनी शक्ति हम अपने विचारों को रोकने में और उसको स्थायी कर लें, उसको इकट्ठा कर लें, तो वास्तव में ही आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। बंधुओं, अब प्रश्न ये आता है कि अब विचारों को हम कैसे रोकें? यह तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। विचार, पहली बात तो ये समझ ले कहाँ से आते हैं। विचार मन से आते हैं, और जब मन विचारों में ही लगा रहेगा तो सारी जो पावर है उसकी वो तो विचारों में ही चली जाती है। हम ध्यान ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी जितनी भी पावर है, हमारे मन की जो पावर है, वो सारी विचारों में ही नष्ट हो रही है। जब मन के पास पावर बचेगी नहीं, आप इसको इस तरह समझें, जब हमारे शरीर के अंदर शक्ति होगी नहीं तो हम कार्य कैसे करेंगे? उसके लिए हमें अपने शरीर को पुष्ट करना होगा, हमें खाना समय से खाना होगा, और ऐसा खाना होगा जो हमें पावर दे, जो हमें शरीर में शक्ति दे। इसी तरह से जब हम विचार करते ही रहेंगे तो हमारा मन दुर्बल हो जाता है, उसके अंदर वह पावर होती नहीं है जो हम चाहते हैं। क्योंकि विचार, सुविचार और कुविचार दोनों ही मन लेता ही रहता है। तो विचार की जो शक्ति है वह मन से आती है, और मन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम, बंधन का और मोक्ष का कारण मन है। तो जब हमारे लिए ये संतों ने बता दिया कि बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण मन ही है, तो हम मन को कमज़ोर क्यों बनाते हैं? मन को इतने विचारों में क्यों ले जाते हैं? तो हमें मन को पावरफुल बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास मन के अंदर पावर होनी चाहिए। मन बार बार विचार कर रहा है, विचार कर रहा है, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो रही है। अगर हम अपने विचारों को रोक दें, अगर हम अपने विचारों को थाम दें, तो वास्तव में ही हमारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। और ये प्रश्न ये आता है कि अब हमारे विचार रुके कैसे, ये भी बताइए। हमारे जो विचार हैं वो केवल और केवल श्वास से जुड़ने से रुकते हैं, क्योंकि मन को पावर कहाँ से मिलती है? मन को पावर मिलती है श्वास से। अगर श्वास के साथ मन नहीं रहेगा तो उसको पावर मिलेगी नहीं, शक्ति मिलेगी नहीं। हर समय मन श्वास के साथ रहता है। आपने यह सुना भी होगा, अनुभव भी किया होगा, जब तक बच्चा गर्भ से बाहर नहीं निकलता है उसके पास श्वास नहीं होती है, केवल धड़कन होती है। और श्वास के आते ही यह विचार शुरू हो जाते हैं। बच्चा बोलता नहीं है लेकिन विचार उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, मन उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और मन ही
विचार लेता है। तो इसको थामने के लिए हमें अपनी श्वासों के साथ जुड़ना होगा। अगर आप अपनी श्वासों के साथ मन को जोड़े तो आपके विचार कम होने लग जाएंगे, और जब आप अभ्यास करेंगे लगातार तो आपके विचार समाप्त तो होने लग जाएंगे। और जब ये अभ्यास आपका बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा तो आपके अंदर जो विचार आएगा वो विचार आपको वह देगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। क्योंकि जब मन के अंदर विचार कम होंगे, मन पावरफुल होगा, मन के अंदर ताकत होगी, जैसे शरीर के अंदर ताकत होती है तो आदमी कितना ही किसी भी तरह का काम हो, कितना ही पावरफुल काम हो, कितना ही ताकत का काम हो, वो कर जाता है। लेकिन जब वो थक जाता है तो बस वो लेटना चाहता, सोना चाहता है। ऐसे ही मन विचार लेते लेते थक जाता है। इसलिए विचार जो हम लेते हैं वो सफल होते नहीं हैं, बहुत ही कम विचार सफल होते हैं। इसलिए विचार करना आप बंद कर दो। और जैसे हमने आपको बताया, आप इस मन को श्वास से लगातार हर समय जोड़ते रहोगे तो आपके विचार कम होंगे, और जब विचार कम होंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं शुरू हो जाएंगी। और जब विचार समाप्त हो जाएंगे, कभी कभी विचार आएगा तो जो आप सोचेंगे वह होगा, जो आप करेंगे वह होगा, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए अपने विचारों को रोको और अपने जीवन को सफल बनाओ, और सफलता के साथ साथ आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, ये आप बिल्कुल निश्चय के साथ समझ लें। तो आशा करते हैं, जीवन में चमत्कार चाहते हो, जीवन में सफलता चाहते हो, तो इन विचारों को रोकना शुरू कर दें, इसका अभ्यास शुरू कर दें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।